हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योमा लर्निंग। सूर्योमा लर्निंग की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। विद इन 2 और 3 सेकंड हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीजें याद करनी होंगी जो हमें ऑलरेडी याद है, तो हम देख लेते हैं। यहां पर हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो उनकी यूनिट डिजिट के साथ। जैसे हमारे 1 की यूनिट डिजिट 1 होती है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यूनिट डिजिट 4 हो गई, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये हमारे स्क्वायर होते हैं। तो बेसिकली हमें याद क्या करना है कि 6 के में जो यूनिट डिजिट आती है वो 6 आती है, 8 के में यूनिट डिजिट 4 आती है, 7 में 9 आती है, 4 में 6 आती है। इस तरह से हमारी यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं कि कई बार रिपीट हो रही है। यहाँ 4 और 6 की जो यूनिट डिजिट है वो सेम है। इसी तरह से हमारी 3 और 7 की जो यूनिट डिजिट है वो भी सेम है। इसी तरह से हमारी 2 और हमारी किसकी 8 की, इनकी यूनिट डिजिट भी सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी 1 यूनिट डिजिट किसकी है, 1 की है और 9 की है। इसी तरह से हमारी 4 यूनिट डिजिट है हमारी 2 की और 8 की, यूनिट डिजिट 4 है। यहाँ 9 किसकी है, 3 और 7 की। इसी तरह से 6 किसकी है, 4 और 6 की। हमारी यहाँ पे 2 2 यूनिट डिजिट आ रहे हैं। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमें पहले ये याद करना होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारा ये एक नंबर है अंडर रूट ऑफ 64009, ये नंबर है हमारा, इसका अंडर रूट कैसे निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हमारा नंबर यहां से 2 नंबर काउंट करेंगे और यहां पे हमारा नंबर कट कर देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि 9 यूनिट डिजिट किस किस की आ रही है। यहाँ पे 9 है तो 9 यूनिट डिजिट किसकी आ रही है, तो 9 यूनिट डिजिट होती है हमारी 3 की और 7 की। ओके, ये यूनिट डिजिट हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम इस साइड वाले पार्ट में जाएंगे और हम देखेंगे 640 जो है वो किस चीज के स्क्वायर के पास में आ रहा है। 640, जैसे कुछ हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। हमारा 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का होता है 676। तो हमारा 640 किसके पास में आ रहा है, 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो छोटा वाला नंबर होगा 25, इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसे हम नोट कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 25 × 26 करेंगे। जिन दोनों के बीच में आ रहा है उन दोनों का इंटू कर देंगे। तो हमारा इनका इंटू कितना हो जाएगा, हमारा इंटू आ जाएगा 650, ये हो जाएगा 640। इसके लिए हम ऐसे करते हैं, 26 × 25 है, तो 25 जो हमारा है तो हम यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 260, ये अब डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 650। तो इस तरह से हम अपना ये इंटू निकाल लेंगे, हमारा आ रहा है 650। 650 जो है हमारा, 650 यहाँ पे हमारा है 640, 640 से बड़ा है। जब हमारा ये बड़ा है मतलब ये वाली चीज छोटी है, तो हमारा यहाँ पे ये आंसर सही होगा। ओके, और अगर ये वाली चीज बड़ी होती तो हमारा ये वाला सही होता। मतलब अगर छोटा है तो छोटा वाला सही होगा और बड़ा है नंबर तो बड़ा वाला सही होगा। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाते हैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 4, 6, 2, 4। ये देखा हमने, हमने क्या किया, 2 नंबर्स काउंट किए, यहां से कट कर दिया। ठीक है, फिर हमने देखा 4 किसका किस किस का यूनिट डिजिट है, तो 2 2 जा 4 और 64 होता है 8 का, तो ये हमारा 2 और 8 हो गया। इसके बाद हम इस नंबर पर गए और देखा हमने कि किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है। 6 का होता है 36, 7 का होता है 49,
सिक्स का स्क्वायर और सेवन के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये, तो हमने क्या किया, इन दोनों को इंटू कर दिया। ओके, तो ये नंबर कितना आ गया, 42। 42 जो है हमारा छोटा है 46 से। ओके, 42 46 से छोटा है, 46 जो है हमारा बड़ा नंबर है, तो बड़ा है ये 46 तो बड़ा वाला आएगा, और छोटा है तो छोटा वाला आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना था 6 6, यहाँ पे जो छोटा वाला नंबर था वो लिखना था। उसके बाद हमें क्या करना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था। 42 आया, 42 इन दोनों को कंपेयर किया, ये नंबर जो हमारा नंबर दे रखा है वो बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर हमारा होगा, अगर ये छोटा होता तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होता। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। जैसे हमारा क्वेश्चन है 6084, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6084 हमारा है। तो हमने क्या किया, दो नंबर लिए, यहां से कट कर दिया, यहां से हमने कट कर दिया। उसके बाद हमने देखा फोर किसका यूनिट डिजिट है, तो फोर होता है हमारा टू का और एट का। उसके बाद हमने देखा ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, सेवन का स्क्वायर होता है 49, एट का 64, तो किस किस के बीच में आ रहा है, सेवन का स्क्वायर एट का स्क्वायर के बीच में। तो जो छोटा वाला नंबर है उसे हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, हमारे पास दो आंसर है, तो हम क्या करेंगे, 7 × 8 कर देंगे, 56 आ रहा है, सॉरी 56 आ रहा है, 56, यहाँ पे भी 60 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम निकालते हैं किसी का स्क्वायर रूट। एक हमने सारे बड़े वाले नंबर वाले देखे, एक हम देख लेते हैं कि कोई सा नंबर जिसमें छोटा आंसर आए। जैसे हम ले लेते हैं कोई नंबर 20449, ये किसका अंडर रूट है। तो हमने क्या किया, दो नंबर लिए, यहां से कट कर दिया। उसके बाद देखा नाइन किस किसके स्क्वायर है, क्या यूनिट डिजिट है, तो हमारा थ्री का स्क्वायर 9 और 7 का होता है 49, तो इन दोनों का यूनिट डिजिट 9 है। अब हम इस नंबर पे जाएंगे और देखेंगे कि किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 204, 204 का स्क्वायर हमारा 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 और 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमने क्या किया, छोटा वाला जो नंबर है उसे ले लिया 143। अब हमारा आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से फाइंड आउट करना है, हमारा 14 और 15 था, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, 210। ओके, 210 जो है वो बड़ा है 204 से, तो ये नंबर मतलब हमारा छोटा है, तो छोटा है तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा। इसी तरह से हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का हम अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, हम किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच।